कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम झारखंड स्कीम्स के सीरीज में क्लास 4 देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में काम आएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, बीआरएसएस हो, झारखंड एसएससी हो, सभी एग्जाम्स में आपके ये काम आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आज हम कौन सा स्कीम देखने वाले हैं। आज के स्कीम्स का नाम क्या है? पोटो हो, खेल विकास योजना, ठीक है, पोटो हो खेल विकास योजना झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए तीन योजनाओं में से एक पोटो हो खेल विकास योजना है। यह योजना क्या है? तो खेल संरक्षण के ऊपर आधारित है, ठीक है, और इस योजना का जो है नाम भी झारखंड के एक शहीद जवान के नाम पर रखा गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में खेल के मैदानों की स्थापना की जाएगी, ठीक है, और इस योजना में लाभार्थी को किस तरह से लाभ प्राप्त होगा एवं वे इसमें क्या कार्य करके पैसे कमाएंगे, यह जानकारी आपको हम आगे देंगे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा, सरकार द्वारा तीन योजनाओं में से, यानी कि इसे जो है 2020 में ही इसकी घोषणा की गई थी जब हमारा कोविड का दौर चल रहा था उस टाइम पे, और ये जो है इस योजना का जो है हमने क्या देखा, पोटो हो खेल विकास योजना। तो इसका नाम जो है किसके किसके ऊपर रखा गया है, तो झारखंड के एक वीर शहीद थे, उनका नाम था वीर शहीद पोटो हो, और उनके नाम पे इस खेल का नाम रख इस योजना का नाम रखा, और उनकी मृत्यु जो है 1938 में सेरेंगसिया घाटी में वो शहीद हो गए थे, ठीक है। इन्होंने जो है सिंहभूम जिले में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था, और 1938 में ये सेरेंगसिया घाटी में लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए थे। इन्हीं वीर शहीद पोटो हो के नाम पे जो है इस स्कीम्स का नाम जो है पोटो हो खेल विकास योजना रखा गया झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इस योजना के माध्यम की विशेषताएं क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल को बढ़ावा देना और साथ ही बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करके उन्हें अपनी आजीविका चलाने में मदद करना, यानी कि सरकार का जो है मकसद क्या है, खेल को बढ़ावा देना, यानी कि जैसे दूसरे राज्य के जो भी खिलाड़ी जैसे कि पंजाब हरियाणा के आजकल बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, तो उनको टक्कर देने के उनके उनसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। अब आप सोचिए एक गाँव से अगर कोई खिलाड़ी निकलता है, जब वो खेल जीत के आता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते, उससे क्या होगा, उनका जो टैक्स कंट्रीब्यूशन होगा वो सरकार को जाएगा, उससे क्या होगा, जो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी। और अगर कोई भी जो है अगर खेल के लिए वहां पे सुविधा प्रदान की जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए मजदूर की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए क्या रोजगार भी वहां पे मिलेगा लोगों को। अब क्या है, इस योजना को राज्य सरकार के द्वारा पोटो खेल योजना क्या मनरेगा मिशन के तहत चलाया जाएगा, यानी कि मनरेगा में से इसे क्या बोलते हैं एमजी नरेगा, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एमजी, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत इस योजना से जोड़ने की भी बात कही गई है झारखंड सरकार के द्वारा, कि पोटो हो खेल विकास को मनरेगा मिशन के तहत जो है चलाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो मनरेगा मिशन में क्या होता है, बहुत जो गाँव के मजदूर हो जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता, उन्हें 100 दिन का रोजगार ये मनरेगा मिशन के तहत दिया जाता है। तो सोचिए जिसे जिसे कुछ भी नहीं पता उनके बच्चे को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है,
इससे वो आसानी से अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद संपत्ति के निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ेगी ताकि खेल को बढ़ावा दिया जा सके। अभी हमने बोला इसे मनरेगा मिशन की तहत अगर सरकार इसे जोड़ती है उससे क्या होगा, जो गांव में मौजूद संपत्ति यानी कि जो अब जैसे मान लीजिए कुश्ती लड़ना है उसके लिए अखाड़ा तैयार करेंगे, चाहे बैडमिंटन खेलना हो, चाहे रेस लगाना हो, चाहे चाहे क्रिकेट खेलना हो, हर चीज के लिए उनको एक ग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके निर्माण के लिए रोजगार सृजित होगा ताकि वहां पे आसानी से खेलों को बढ़ावा मिल सके और बहुत से बहुत प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी उसमें भाग ले सके। इसमें क्या है, 4,350 यानी झारखंड के लगभग 4,350 पंचायतों में 5,000 खेल के मैदान को स्थापित किए जाने का लक्ष्य किया गया है। इसमें क्या है, राज्य के खिलाड़ी यानी युवा और युवतियों को उनके खेल क्या के खेल के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। मान लीजिए जैसे वो कुश्ती खेलते हैं फिर वहां पे अगर मान लीजिए उसके साथ चोट लगी तो उसके फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी यानी मेडिकल फैसिलिटीज भी साथ में होगा। तो यानी कि आप सोचिए अगर वहां पे खेल का मैदान बनता है और खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो वहां पे एक तरह से मेडिकल के क्षेत्र में सुधार होगा जो कि गांव की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन देगा। और उससे इससे क्या होगा, गांव खेल के प्रति प्रतिभा को भी तराशा जाएगा यानी जो इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसे फिर स्टेट लेवल पे फिर नेशनल लेवल पे उस खिलाड़ी को भेजा जाएगा ताकि वो अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पोटो खेल विकास योजना जो कि एक वीर शहीद के नाम पर, नाम क्या है उनका, वीर शहीद पोटो हो उन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है। और इस योजना से क्या है, ग्रामीण इलाके में जो खिलाड़ी उन जो खिलाड़ी के प्रतिभा को निखारने के साथ साथ वहां के लोगों को रोजगार भी प्रदान करना और प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार प्रदान करना है क्योंकि जब खेल होगा तो बाहर से भी लोग आएंगे और साथ ही वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और इसे नरेगा मिशन के तहत चलाया जाएगा और इसे लॉन्च किया गया था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, और लगभग 4,350 पंचायतों में 5,000 खेल के मैदान को भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये स्कीम समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगे हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।